आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू द सर्कल क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग जो है स्टडी करेंगे सर्कल से रिलेटेड फिगर्स के बारे में। जैसे हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, तो सेक्टर आपके एक माइनर एक मेजर हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट्स के बारे में, तो हम सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये भी आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो में जनरली हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, तो पूरे इस चैप्टर में यानी कि जो भी हमारे पास एक्सरसाइजेज होंगी, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी इस रिलेट चैप्टर से, उन प्रॉब्लम्स में जिस जिस प्रकार की हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे उससे रिलेटेड सभी टर्म्स को, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी हम लोग इसमें करने वाले हैं। उसके फार्मूला कैसे, उन सब चीज़ों को हम लोग एवल्यूट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट जो है हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये एक रिव्यू सर्कल हो गया। रिव्यू मतलब कहने का, क्योंकि सर्कल आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर के बारे में पता ही होगा। पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ही बोला जाता है, 2πr जो होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल के बारे में भी आप स्टडी कर लिए हो ऑलरेडी, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, 8, 9। ठीक है, 7 में भी है, तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। सर्कल का एरिया πr स्क्वायर हो जाता है। अगर आप सर्कल बना रहे हो, सर्कल का ये रेडियस है, तो इसका एरिया के बारे में बात करोगे तो एरिया हो जाता है पाई आर का स्क्वायर। जबकि इसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करोगे तो हो जाता है 2πr, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जो चीज़ें हैं हमारे पास उसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आज सर्कल ये क्या होता है, ये सर्कल इज ए पाथ ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। सर्कल किसी पाथ को बोला जाता है स्टूडेंट्स, वो भी कैसा पाथ, एक ऐसा पाथ होता है जो फिक्स पॉइंट से उस पाथ की डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, सेम होती है। फिक्स पॉइंट से उस पाथ की डिस्टेंस क्या होती है, सेम। जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ऑल आर द डिस्टेंसेज फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज सेम, और उन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक पाथ बनता है, और उस पाथ को हम लोग बोलते हैं सर्कल। ठीक है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, सर्कल। तो अब आइए, द पाथ ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लोकस ऑफ द पॉइंट। हाँ, उसको लोकस भी बोला जाता है पॉइंट्स का। ठीक है, लोकेशन या फिर पोजीशन बोल सकते हो। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोला जाता है। और जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जाता है। तो इन आवर डेली लाइफ वी सी लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, विच आर सर्कुलर इन शेप्स। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो सर्कल की तरह दिखती है। बच्चे मोस्टली कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ें सर्कल की तरह दिख रही हैं। सर्कल लिखा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, अगर सर्कुलर भी लिख दिया इसका मतलब ये हो गया कि आपको सर्कल के ही शेप की चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे बैंगल्स, बैंगल्स आप जानते हो जो चूड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है, फीमेल लोग जो चूड़ियाँ पहनती हैं उसको हम लोग बैंगल्स, या फिर जो बच्चे लोग जो कड़ा उड़ा पहनते हैं उसको भी आप बोल सकते हो। व्हील, गाड़ी का जो व्हील होता है चक्का, वो भी आपका सर्कल के ही जैसा होता है। क्वाइन, ठीक है, क्वाइन जो होता है, 1 रुपये का क्वाइन, 2 रुपये का क्वाइन, उन सभी को हम लोग सर्कुलर शेप के जो है हमारे पास होते हैं। और चरखा इन द मिडल ऑफ द, है ना, फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके उसमें देखा होगा चरखा लगा हुआ है। ठीक है, वो भी आपका किसके तरह होता है, सर्कुलर शेप का होता है। आई बॉल, आई बॉल मतलब हमारे आँख के अंदर में जो आई बॉल होता है वो भी हमारा सर्कुलर शेप का होता है। क्लॉक, घड़ी जो होती है वो भी सर्कुलर शेप की होती है, है ना। पैप्ड, ये भी सर्कुलर शेप का होता है। रिंग, रिंग तो आपने देखा ही होगा, अभी जो हाथ में पहना जाता है वो भी सर्कुलर शेप का होता है। ढोसा, खाने वाली चीज़ है, ये भी एक सर्कुलर शेप का ही होता है। रोटी, चपाती, इसको ब्रेड बोलते हैं, वो भी सर्कुलर शेप का ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यानी फोटो यहाँ दिखाया हुआ है, अगर आप फोटो में देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये बैंगल्स है, ये व्हील है, ये क्वाइन है, ये फ्लैग के अंदर जो है, ठीक है, ये आई बॉल हो गया, ये भी गोल होता है सर्कल की तरह। क्लॉक है ना, ये पैप्ड है, ये सब के सब जो है सर्कुलर शेप के होते हैं। रिंग, ये भी सर्कुलर शेप का होता है। और ये ढोसा है, ठीक है, इसको भी अगर आप देखें ये तो हाफ मोड़ा हुआ है, जब ये फुल रहता है तो इस टाइप का होता है, तो ये भी आपके सर्कुलर शेप का ही होता है। ब्रेड, जो रोटी होती है, वो भी आपके सर्कुलर शेप की ही होती है। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं ये सब सर्कुलर शेप की हैं, तो इसी से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सर्कमफ्रेंस के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस आपका 2πr होता है। इस सारी बातों को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जो भी पाथ होता है फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस लेकर के पाथ बनाया जाता है, उस पाथ का जो लेंथ होता है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और वो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। और रिलेशन तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन तो पता ही होगा आप लोगों को। डायमीटर जो है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। पाई के बारे में कुछ कुछ बातें दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, अब ज़्यादा ना जान करके सिर्फ देखिए क्या लिखा हुआ। पाई एक ग्रीक लेटर होता है ना। पाई क्या एक ग्रीक लेटर है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ऑफ द सर्कल का एक रेशियो होता है पाई, है ना। पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और डायमीटर का एक रेशियो होता है, ठीक है। और मेनी मैथमेटिशियन है ना हैव गिवन मेनी वैल्यू फॉर दिस रेशियो। तो बहुत सारे, क्योंकि मैथमेटिशियन एक तो है नहीं, बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए, उन लोगों ने इस रेशियो की वैल्यू अलग अलग दी। तो इन दिस है ना, तो इन द चैप्टर रियल नंबर, रियल नंबर का जो चैप्टर था, तो वी सॉ दैट कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई के बारे में बात की गई थी, रियल नंबर जो पहला चैप्टर था हमारा, कि पाई एक ऐसा है इरेशनल नंबर है। तो आर्यभट्ट गेव द वैल्यू ऑफ पाई एस, तो आर्यभट्ट ने जो था अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू इतनी दी हुई थी, है ना, कितनी दी हुई थी, तो 62,832, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाई 200 इस वैल्यू दी हुई थी। जबकि रामानुजन, ठीक है, रामानुजन जो थे उन्होंने इसकी वैल्यू को जब फाइंड आउट किया था पाई का, तो करेक्ट टू ए मिलियंस प्लेस, यानी करेक्ट टू ए मिलियन प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि मिलियन प्लेस ऑफ डेसिमल तक चले जाइए, उस वैल्यू को रामानुजन ने फाइंड आउट किया था। तो हाउएवर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, है ना, तो बी यूज प्रैक्टिकली पर्पस के लिए हम लोग पाई का वैल्यू को 22/7 यूज करते हैं, बट 22/7 एक रेशनल होता है, ठीक है, और इट इज़ है ना, और इट इज़ ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 22/7 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं पाई का, ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग सेमी सर्कल पर। तो देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, उसको सेमी सर्कल बोला जाता है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड, है ना, द सर्कल इंटू 2/2 कॉल्ड सेमी सर्कल। जो सर्कल का डायमीटर होता है उस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे सर्कल है, ये हो गया इसका डायमीटर, ठीक है, तो ये डायमीटर इसको 2 पार्ट में, एक पार्ट इधर आ गया और सेकेंड पार्ट इधर आ गया। तो सर्कल का जो डायमीटर होता है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसका जो एक पार्ट होता है वो सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये सेमी सर्कल है, ये इसका पाथ हो गया, तो टोटल पाथ इसका 2πr था, तो क्योंकि आधा है तो आधा पाई आर हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करें, अगर हम इसका पेरीमीटर के बारे में बात करें, तो पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री में आपका ये आर और आर भी ऐड हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पाई आर प्लस 2r, यानी कि आर ब्रेकेट पाई प्लस 2, ये हो जाता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ द सर्कल पर, तो एरिया ऑफ द सर्कल को भी आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, एक सर्कल है जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, 12 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। डिवाइड इनटू है ना इक्वल सेक्टर ऑफ सेक्टर्स एंड अरेंज देम इन सच अ ब्लो, इन सबको इक्वली सबको डिवाइड किया गया, मतलब इक्वल एरिया में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को सेक्टर बोल दिया गया, ठीक है। तो उनको क्या किया गया है, फिर अरेंज किया गया, देखिए इस प्रकार से इनको क्या कर लिया गया, अरेंज कर लिया गया, ठीक है। तो जब अरेंज कर किया गया, ये पहला पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारह, बारहवां, ठीक है। तो क्योंकि टोटल पार्ट तो 12 थे, तो 6 पार्ट मतलब आधा सेमी सर्कल हो गया, तो उसका रेंज कितना हो गया, पाई आर, ठीक है। और क्योंकि ये रेडियस था, तो रेडियस का वैल्यू कितना था, आर। तो ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल की तरह अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हो जाता है पाई आर मल्टीप्लाई आर, तो कितना हो जाएगा कुल मिला करके, पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ द सर्कल निकल जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो लिखा है, तो दिस शेप लुक्स लाइक ए रेक्टेंगल, तो ये जो शेप है आपका रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, जिसका लेंथ है पाई आर और रेडियस है आर। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि पाई आर मल्टीप्लाई आर, तो पाई आर स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाता है। तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर यूनिट होता है।
तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आधा हो जाएगा, और एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का सेमी सर्कल सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड करो, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा पार्ट, ठीक है, ये सर्कल इसको 4 भागों में डिवाइड कर दो तो ये क्वाड्रेंट कहलाता है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया आपका हो गया ये, और सेमी सर्कल का एरिया हो गया ये, ठीक है, और सर्कल का पूरे सर्कल का एरिया हो गया ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से जो हम लोग इसके हर एक टर्म को समझ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर का। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि सेक्टर जो होता है एक सर्कल का पार्ट होता है। तो ये सेक्टर बनता कैसे, जब हम एक की जब उसके सेंटर से दो रेडियस को लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर जब हम दो रेडियस को ड्रॉ करते हैं, जैसे इस एक रेडियस है रेडियस, तो क्योंकि ये दो रेडियस हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनता है थीटा, ठीक है, तो थीटा बना, और ये थीटा आपका किसके साथ कवर हो जाता है, उस आर्क के साथ, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एक जो सेक्टर बना, ये दो यहाँ पर दो सेक्टर बनते हैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ दो सेक्टर होते हैं, एक तो सेक्टर आपका दिख रहा होगा ये वाला, और एक सेक्टर दिख रहा होगा आपका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेक्टर्स हैं, तो एक सेक्टर का नाम हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो सेक्टर है ये छोटा है जबकि ये सेक्टर बड़ा है, तो इसका नाम हो जाता है माइनर, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाता है, मेजर। तो माइनर सेक्टर कहलाता है और ये मेजर सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मान के चलिए अगर हम एंगल के बारे में बात करें कि जैसे यहाँ पर एंगल थीटा बढ़ रहा है, तो क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है, अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला एंगल कितना आ जाएगा, ऊपर वाला एंगल आ जाता है 360, है ना, माइनस थीटा, तो ऊपर का एंगल आ जाता है 360 माइनस थीटा, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं, तो क्या लिखा है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, इज ए हाँ पोर्शन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का पोर्शन होता है, रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई, है ना, सेक्टर का जो रीजन होता है दो रेडियाई के बीच में होता है उसका रीजन, एंड क्रोस्पॉन्डिंग आर्क, एक क्रोस्पॉन्डिंग आर्क है ना, ये क्रोस्पॉन्डिंग आर्क देख रहे होंगे, ये क्रोस्पॉन्डिंग आर्क है और दो रेडियाई के बीच का एक एंगल होता है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है सेंट्रल एंगल, थीटा क्या होता है सेंट्रल एंगल, और एल क्या हो जाता है लेंथ ऑफ द आर्क, देखिए यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट किया गया लेंथ ऑफ आर्क। तो वेन द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, जब सेंटर पर एंगल 360 डिग्री बनता है तो एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जब एंगल अगर थीटा डिग्री बन जाए तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वेन सेंट्रल एंगल, अब जब इसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है तो इसका आर्क का लेंथ 2 पाई आर होता है, यानी कि इस लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाता है। अब अगर एंगल थीटा डिग्री बन जाए तो कितना लेंथ हो जाएगा इसका, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। हर एक चीज़ को क्लियर से समझें, जब 360 डिग्री का एंगल था तो 2 पाई आर था, ऐसे समझिए, जब तो 360 डिग्री का एंगल था तो वैल्यू 2 पाई आर था, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/360 मल्टीप्लाई है ना 2 पाई आर, और अगर हम थीटा डिग्री के बारे में बात करें तो थीटा डिग्री एंगल बढ़ रहा तो थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इस प्रकार से आप जो वैल्यू को लिख सकते हो समझ सकते हो, ठीक है, और सेम उसी प्रकार से समझाया भी गया है। फिर बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फार्मूला आ गया ये, और एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का फार्मूला आ गया ये, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर हो जाएगा आपके पास, देख सकते हैं, ठीक है। सेक्टर का अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी रेडियस को तो ऐड करना ही करना होता है। चलिए देखिए पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर तो हो जाता है 2R प्लस L। तो 2R हमने क्यों लिया, 2R हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से ये जो R है, इधर जो R है, उन दोनों को लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए सेक्टर बना के समझा देते हैं, ये R और ये R, ये क्या हो गया L, है ना, ये वाला क्या हो गया L, तो इसी को तो पेरीमीटर बोल रहे हैं, तो ये पेरीमीटर हो गया आपका सेक्टर का। तो 2R प्लस L क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको समझा देते हैं, जैसे यहाँ पर इसने बताया सिर्फ माइनर सेक्टर के बारे में, यानी माइनर सेक्टर का एरिया हो गया थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगर हम मेजर सेक्टर के बारे में बात करें तो मेजर सेक्टर वाला जो है वो सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, अभी हमने आपको बताया उस सेंटर पे एंगल बना रहा है 360 माइनस थीटा, है ना, डिवाइडेड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 360 तो होगा ही, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल, सॉरी ये हो गया आपके पास एरिया, है ना, ये मेजर सेक्टर का क्या आ जाएगा एरिया, इस फार्मूला से निकल जाएगा आपका मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बढ़ रहा है, 360 माइनस थीटा,
ठीक है। तो जैसे थीटा एंगल सेंटर पे बन रहा था तो उस सेक्टर का एरिया था थीटा बटे 360, अब जबकि सेंटर पे एंगल 360 माइनस थीटा बनेगा तो उसका एरिया हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको बोल देगा कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए, तो आपके पास मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का दो तरीका है। क्या तरीका है? आप सर्कल का एरिया में से इस माइनस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना, फिर माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना, फिर सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस करोगे तब आपके पास मेजर सेक्टर का आंसर निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप कौन सा फार्मूला यूज करें जो हमने अभी आपको बताया है ना, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 360 माइनस थीटा है ना डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूला को यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपको मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। रिंग का अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो रिंग दिख रहा है साइडेड पोर्शन, इसका एरिया तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को क्या कर देंगे, माइनस। तो एरिया ऑफ द रिंग हमको पता चल जाता है, एरिया ऑफ द रिंग आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर दो रेडियाई है आउटर और इनर सर्कल का रिस्पेक्टिवली। तो एरिया ऑफ द रिंग जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई को कॉमन निकाल लिया गया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाता है रिंग का एरिया। ठीक है, अब हम समझते हैं सिगमेंट के बारे में। देखिए सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए पोर्शन ऑफ द सर्कल है ना, रीजन सर्कल सर्कुलर रीजन का पोर्शन होता है जो इनक्लोज होता है बिटवीन द कोर्स एंड द क्रॉसपोर्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। सिगमेंट क्या है, सिगमेंट भी एक रीजन होता है सर्कल का। ठीक है, यानी कि सिगमेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज इनक्लोज बाय द कोड एंड क्रॉसपोंडिंग आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो कोड के क्रॉसपोंडिंग जो आर्क होता है और कोड जो होता है उन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको सिगमेंट बोला जाता है। जैसे देखो ये है ना, ये सिगमेंट है। तो कोड है ना डिवाइड सर्कल इंटू टू पोर्सन कॉल्ड सिगमेंट्स। एक कोई भी कोड हो उस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन दोनों पार्ट्स को हम लोग सिगमेंट बोलते हैं। तो अगर वो कोड आपका सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो एक सेगमेंट बड़ा होगा और एक सेगमेंट छोटा होगा। जैसे देखो ये कोड है ए बी, तो ये जबकि सेंटर से पास नहीं हो रहा तो एक नीचे आकर के सेगमेंट बना, एक ऊपर सेगमेंट बना, तो ऊपर का सेगमेंट नीचे वाले सेगमेंट से बड़ा है इसलिए इसका नाम मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला छोटा है इसलिए इसका नाम माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो लिखा है इसने द सेगमेंट विच है ना कंटेन्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, यानी कि उसको मेजर सेगमेंट बोला जाता है जिस सेगमेंट के अंदर सर्कल पाया जाता है। ठीक है, द अदर वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, जबकि दूसरे को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो द डायमीटर डिवाइड द सर्कल इंटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड सेमी सर्कल, और जो सेमी सर्कल तो पता ही आपको, डायमीटर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है उनको सेमी सर्कल्स बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इसके एरिया पे कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए। चलिए आइए, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको आर्क का एरिया आर्क बोल रहे हैं सेक्टर के एरिया का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट देखिए यहाँ पर ये जो साइडेड दिख रहा है वो सेगमेंट है। ठीक है, ये साइडेड पोर्शन है वो सेगमेंट है आपका। तो यहाँ पर करना क्या, आपको इस सेक्टर का एरिया में से इस ट्रंगल के एरिया को क्या करना होगा, माइनस। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रंगल के एरिया को माइनस कर दो तो आपको इजीली जो है एरिया ऑफ द सेगमेंट मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ अभी है एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ द ए ओ बी। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं कि हम माइनस कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे एरिया, आखिर हमको निकालना है। तो सेक्टर का एरिया तो निकालना सीख गए आप, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब रही बात ट्रेंगल, तो ट्रेंगल के एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो तीनों साइड पता हो तो हीरोन का फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर हमको हाइट और ब्रेथ पता हो तो 1/2b मल्टीप्लाई एच लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, पहले हम बात करेंगे कि मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। तो मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए हम लोग सर्कल में से माइनर सेगमेंट के एरिया क्या करेंगे, माइनस। अब माइनर सेगमेंट के एरिया अगर हमको मिल जाए तो सर्कल में से माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट के एरिया निकल जाएगा। तो अब इसको फार्मूला किया, यानी फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो सेगमेंट की एरिया को फाइंड करने के लिए फार्मूला देखिए यहाँ पर कैसे एवल्यूट किया गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास कोड, यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है थीटा, ये हो गया आर और ये भी हो गया आर। ठीक है, ये हो गया आपके पास पूरा एक सेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपके पास पूरा एक सेक्टर, हमको इस रंगे हुए सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देखिए क्या लिखा हो, ड्रो ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, लेट कोड ए बी है जो सर्कल को टू सेगमेंट्स में कट कर, अभी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट यानी कलर्ड पोर्शन। तो यहाँ पर क्या किया गया है ना, ज्वाइन ए टू ए, यानी कि
ए और बी को ज्वाइन कर दिया ना, ये देखो जो ज्वाइन कर दिया तो बन गया आपके पास ट्रेंगल, इनको जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने के बाद बोल रहा है कि ए ओ बी देखिए एक एंगल बना आपके पास थीटा, तो बी गेट सेक्टर, हमको एक सेक्टर मिला है ना, पार्ट ऑफ इट सेगमेंट, सेगमेंट सेक्टर का ही पार्ट क्या बन गया, सेगमेंट बन गया, और सेक्टर का एरिया हम फाइंड करना जानते हैं, ठीक है। हुज एरिया इज टू बी फाउंड, जिसके एरिया हमको फाउंड करनी, फाउंड हमको किसका करना, सेगमेंट का एरिया, जबकि सेगमेंट सेक्टर का पार्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ओ बी को सेक्टर के एरिया में से क्या कर देंगे, माइनस। तो एरिया ऑफ ए ओ बी यानी ट्रंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाई आर, ठीक है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाई आर, ये होता है ट्रंगल का एरिया का, यहाँ पर फार्मूला लगता है, आर हो जाता है रेडियस और साइन थीटा यहाँ पर आता है, ठीक है। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई आर, तो कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आ गया ट्रंगल का एरिया। तो ट्रंगल के एरिया को हमको किस में से माइनस करना था, सेक्टर में से माइनस करना था। तो सेक्टर के एरिया एरिया तो आप ऑलरेडी जानते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर देना है। तो साइन थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था क्लास 8 उसमें आप पढ़े हैं बहुत अच्छी तरीका से, ये चैप्टर 8 जो था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, उसमें आपने बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा है इसको, कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है। तो उन्हीं सभी एंगल्स को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और हमको यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो जब हमको एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मिल जाएगा तो मेजर सेगमेंट हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग जो है स्टूडेंट्स अभी इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि एक्सरसाइज 12.1, फिर 12.2, फिर 12.3, इसी तरह हम लोग कंटिन्यूसली हर एक एक्सरसाइज को करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।